डेढ़ महीना पहले बाढ़ आया, जबकि हर साल अगस्त 10 अगस्त 15 अगस्त के बाद बाढ़ की संभावनाएं होती हैं। लगभग डेढ़ महीना पहले इस बिहार की लगभग बांधें टूटी। सरकार से ये जानना भी चाहती है बिहार की जनता कि आप बार बार कहते हैं कि बांध सुरक्षित है, हमारी नदी सुरक्षित है, हम तैयारी में हैं, एक लोग भी हमारे नहीं मरेंगे, राहत की तैयारी पूरी हो गई है, फिर 450 से ऊपर लोग इस बार कैसे मरे अगस्त के पहले। बस सेकेंड लगभग 40 से ऊपर बांध टूट चुकी है, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मधुबनी, झंझारपुर, फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज का एक पोर्शन, सुपौल, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच का लगभग बांध ये टूट गई है 40 से ऊपर। 20 दिन पहले बांध जो बांधी गई मोतिहारी और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के बीच में 33 करोड़ के लागत से वो बांध टूट गई। मुजफ्फरपुर मोतिहारी और सीतामढ़ी के बीच में आखिर उस पर कौन सी कार्रवाई हुई, कौन सा एफआईआर हुआ? मधुबनी और झंझारपुर के लगभग 14 बांध टूटे हैं, 4 मिनिस्टर वहां हैं, जिसमें सिंचाई मंत्री भी संजय झा जी वहीं के हैं, आपदा मंत्री भी वहीं से हैं। क्या कारण है कि आपने बर्खास्त नहीं किया, यानी तो इस्तीफा नहीं दी, और अभी तक किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और बड़े पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई? इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? चौथी चीज, 18 साल पहले लगभग बांध की आयु पूर्ण हो चुकी है, तो 18 सालों से आप उस बांध पर एंटी इरोजन का वर्क आप लगातार कर रहे हैं। 5,34,000 करोड़ रुपया का नदियों को सुरक्षित रखने और बांध और अस्पर को बनाने पर आप खर्च कर चुके हैं। 2,00,000 करोड़ रुपया हर साल सालाना खर्च करते हैं। वो पैसा नेता, पदाधिकारी और बड़ी बड़ी कंपनी और ठेकेदार के ज्वाइंट एडवेंचर के द्वारा सबके घर में चला गया। हम सुप्रीम कोर्ट में परसों पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं 30 तारीख के पहले। ATN Live।